कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करे अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन। आज हम गाइस बात करने वाले हैं कुछ अलग टॉपिक पे। टॉपिक है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कुछ पोस्ट निकाली थी, उसके अंदर जो HPTDC करके हमारा जो कॉरपोरेशन है गाइस, वहाँ पे कुछ पोस्ट निकली है ना असिस्टेंट मैनेजर की। तो बहुत से बच्चे मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर उस पर एक वीडियो बनाइए या उस पर कोई कंटेंट लेके आइए। तो गाइज उस पर मैंने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे टेस्ट उसमें इंक्लूडेड हैं। 150+ टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। ओके, तो ये आपको पता होगा कि ये जो एडवर्टीजमेंट है कब आई थी, कब इसका लास्ट डेट भरने की थी, वो आपने भर भी लिया होगा, है ना। हम इसमें आज बात करेंगे जो ये हमारा पोस्ट कोड है, ये वाला जो पोस्ट कोड है 1026, है ना, HP टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकली है गाइज, और ये टोटल 7 पोस्टें हैं, है ना। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, जो टेस्ट सीरीज बनाई है वो इसके ऊपर बनाई हुई है। इसका अगर हम गाइस सिलेबस वगैरह देख लें, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एक्चुअली एलिजिबिलिटी है BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन एज अ रेगुलर स्टूडेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी। तो जितने भी हमारे IHM के बच्चे होते हैं, है ना, वो इस पोस्ट को भर सकते हैं। तो आप एक बार ध्यान से देख लेना कि आपकी इसमें एलिजिबिलिटी बनती है कि नहीं। लेकिन जो क्वालिफिकेशन रखी है वो रखी है BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें MBA दिया है, या तो ये कर रखा हो या फिर MBA कर रखी हो टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी में, है ना, वो भी रेगुलर मोड पे, है ना। तो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो भी रेगुलर चाहिए, आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है और करके दी हुई है वो भी आपकी रेगुलर चाहिए गाइस। ओके, तो ये इसका है। इसके हम सिलेबस की बात करें कि आपका जो रिटर्न एग्जाम होना है ना, उसमें क्या कंडीशंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप वो रहेगा। ओके, तो उसकी कंडीशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो हमारा 1026 है जो हमारा कोड था, है ना, तो उसमें क्या है, आपके टोटल 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं, है ना। 120 क्वेश्चन जो होंगे गाइस वो आपके रहेंगे सब्जेक्ट, है ना। आप सब्जेक्ट क्या है आपका, जो डिग्री में आपने पढ़े होंगे वो सारे आपके सब्जेक्ट आ गए। मेनली हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं, है ना, प्लस आपका ये जो अलग सेक्शन दिया है इसमें से भी आपके 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, सो गाइज आपने ये ध्यान रखना है कि रिटर्न एग्जामिनेशन जो है वो 2 घंटे का होगा और उसमें 200 क्वेश्चंस रहेंगे। गाइज अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो कोर्स इसमें बनाया है, जो टेस्ट सीरीज बनाई है जिसमें ये सारे सेक्शन कवर किए गए हैं, वो कहाँ पे है और वो कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ये वाला वो कोर्स है आपका, कोर्स का नाम है असिस्टेंट मैनेजर HPTDC ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, है ना। ये पूरे टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे आपको सारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे टेस्ट मिलने वाले हैं, है ना। तो ये कोर्स कहाँ पे है गाइज, ये कोर्स मेरी एप्लीकेशन राणा एजुकेशन पे है। इसको डाउनलोड कैसे करना है, इस ऐप को इंस्टॉल कैसे करना है, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा। वहां से जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे और उसको ओपन कर लेंगे, है ना। ओपन करने के बाद गाइज आपने जाना है स्टोर, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। इस ऐप को ओपन करना है, आपने स्टोर पे जाना है। ओके, स्टोर पे जाने के बाद गाइज आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, है ना। और यहाँ पे गाइज आप देखेंगे बहुत सारे फोल्डर आएंगे, तो आपने क्लिक करना है जो गवर्नमेंट जॉब वाला फोल्डर है, ये वाला फोल्डर, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3-4 कोर्सेज दिखेंगे। हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट मैनेजर जिसका पोस्ट कोड है 1026, इसको आप गाइज ओपन कर लेंगे तो ये कोर्स आपके सामने ऐसे खुल के सामने आ जाएगा। ऑलराइट, तो पहले तो मैं बता देता हूँ गाइज कि इस कोर्स में आपकी इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 4 मंथ्स है, है ना। आप जिसे उसको ज्वाइन करेंगे उससे लेके 4 महीने तक आप इस कोर्स में बने रहेंगे। इसमें आप देखें 152 टेस्ट ऑलरेडी है, जो कि आपके सिलेबस के भी आपको मैं दिखाऊंगा, और आने वाले टाइम में विद इन 1-2 मंथ इसमें 200+ टेस्ट कर दिए जाएंगे, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम के रेलिवेंट। ओके, और इसका प्राइस गाइज रखा गया है 1499 ओनली, है ना, जिसको आप पे करेंगे तो आप इस कोर्स में ऐड हो जाएंगे और जितना भी कंटेंट है वो आपके लिए ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, सेकंड गाइज इसका कंटेंट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइज यहाँ देखो नोटिफिकेशन है, इस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाएगी।
देन उसके बाद है गाइस सैलरी, सिलेबस एंड क्वालिफिकेशन। तो वो अलग 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 करके यहाँ पे डाला हुआ है, कितनी सैलरी है, कितनी एलिजिबिलिटी है, कैसे सिलेक्शन होगा, एग्जाम कैसे होगा, वो पूरा अलग अलग फोटो यहाँ पे गाइस डाले हुए हैं। फिर हम मेनली आते हैं हमारा जो स्टडी मटेरियल है, आप इसके क्लिक करेंगे, है ना। तो पहला तो जो फोल्डर है वो है मेनली डोमेन प्रोफेशनल मीन सब्जेक्ट नॉलेज, जिसमें से 120 क्वेश्चन आने हैं। तो उसमें मेनली मैंने क्या रखा है, जो हमारे डिग्री में सब्जेक्ट्स होते हैं मेन सब्जेक्ट्स, वो क्या होते हैं, फूड प्रोडक्शन है, फूड एंड बेवरेज है, हाउस कीपिंग है, फ्रंट ऑफिस है, फूड साइंस न्यूट्रिशन है, फूड हाइजीन है, इंडियन फूड स्वीट्स है। ये सारे टॉपिक के आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे गाइज मिल जाएंगे, जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं आपको एक का डेमो दिखा देता हूँ, जैसे फूड प्रोडक्शन है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी इसमें आठ आठ मॉक टेस्ट है। जैसे फर्स्ट वाला है तो मैं आपको उसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ, ये कैसे खुलेगा आपकी स्क्रीन में, आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, आप इसको ऐसे ओपन करेंगे, है ना, ऐसे आपके सामने पूरा ये खुल जाएगा, है ना। तो इसमें देखो 25 क्वेश्चन है इस वाले मॉक टेस्ट में, तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा गाइस, है ना। अभी ये तो मैंने खोला है तो इसलिए इसमें ये आंसर भी दिखा रहा है, सोल्यूशन दिखा रहा है। आपके वाले में क्या होगा कि इस क्वेश्चन ऐसे रहेगा, चार ऑप्शन आएगी, आपको कोई एक सिलेक्ट करनी होगी, फिर आप क्वेश्चन टू पे जाओगे, सेम आप उसमें ऐसे कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, ऐसे करके आप सारे क्वेश्चंस को कर दोगे, लास्ट में सबमिट की ऑप्शन आएगी, आप सबमिट करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, और लास्ट में इनके सॉल्यूशन भी आएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो ही आएगा, आपको इसमें आपको सॉल्यूशन भी दिखेंगे ताकि आप इसको बाद में दोबारा से लगा सको, है ना गाइस। ऐसे करके आपके सारे जो मॉक टेस्ट रहने वाले हैं वो, ये तो फूड प्रोडक्शन के हो गए, ऐसे ही आपके गाइस फूड एंड बेवरेज सर्विस के होंगे, देन आपके हाउस कीपिंग के होंगे, फ्रंट ऑफिस के होंगे, और बहुत सारे मॉक टेस्ट इसमें भी और भी ऐड किए जाएंगे विद इन मंथ, ओके। और अभी मैंने मॉक टेस्ट पे एक अलग से डेमो भी है ना, कि मॉक टेस्ट कैसे होते हैं, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा, वहां जाके भी आप देख सकते हैं ये मॉक टेस्ट जो है वो कैसे होने वाले हैं। ऑलराइट, तो गाइज ये तो हमारा सब्जेक्ट प्रोफेशनल जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो हो गए, है ना, उसके टॉपिक मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा जैसे जनरल अवेयरनेस है, इसके अलग मॉक टेस्ट है, लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश के भी है ना, यहाँ देखें हिंदी के अलग है, इंग्लिश के अलग है, वो मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं, ओके। रीजनिंग आपको 61 टेस्ट ऑलरेडी दे रखे हैं, कंप्यूटर नॉलेज है, तो जो जो भी इसका कंटेंट है और जो जो मेरे को मिलता रहेगा वो इसमें ऐड होता रहेगा रेगुलर बेसिस पे, ओके। और इसमें पूरा सिलेबस आपका कवर करने की कोशिश की गई है, ताकि बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि सर हमें इसके पढ़ने के लिए स्टाफ नहीं मिल पा रहा है, तो मेरे पास जो भी था मैंने उसका एक कोर्स आपके लिए गाइस बना दिया है। सो नाउ इट्स योर टर्न, है ना, आप इसको बाय करें, परचेज करें और इसको इसको सारे मॉक टेस्ट को लगाएं, बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। इसको बाय करने के लिए गाइस यहीं पे, अभी तो ये क्योंकि ओनर व्यू खुला है, जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे राइट में लिख के आएगा बाय नाउ, बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे पेमेंट के गेटवे खुल जाते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस आपके सामने पे करने की आ जाती है, आप वहां से किसी भी ऑप्शन से पे कर सकते हैं, ओके। थर्ड गाइस इसमें ये जो ऐप है आपके फोन पे खुल जाएगी, लैपटॉप पे खुल जाएगी, कहीं भी खुल सकती है, तो आप इसको कहीं भी अपने मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। ऑलराइट, तो गाइज ये आपके लिए कोर्स था, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी तो उस रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसको शेयर करें, जो भी हिमाचल में जिनको आप जानते हैं जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कंटेंट को ढूंढ रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, एंड आई होप आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें गाइज, और आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। We'll be right back.